अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है अंडर वाटर कटिंग। अंडर वाटर कटिंग में जो जो हमारा इक्विपमेंट यूज़ होता है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और शुरू करते हैं जी, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल में थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले इसमें यूज़ होता है वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन जो है ये जनरेटर भी है, इससे आप पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, और ये वेल्डिंग मशीन भी है। जैसा कि आप प्रोडक्शन नज़र आ रहे हैं, ये डीसी सप्लाई भी देती है और एसी भी देती है। लेकिन अंडर वाटर कटिंग में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। एसी सप्लाई अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना एसी सप्लाई में अगर जब आप पानी के नीचे कटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा करंट देगी, जिस जो कि आपके हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह है और आपके जिस्म के लिए भी, आपकी आँखों की बेनाई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए जब भी कटिंग करें तो इसमें आप हमेशा डीसी करंट यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है जी कनेक्टिंग केबल, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग केबल। इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक ये जो कि इसमें आपने जो कनेक्टिंग केबल है वो हमेशा, यानी कि जो पानी के नीचे जाएगी जिससे आपने कटिंग करनी है, वो हमेशा आपने नेगेटिव में लगानी है, पॉजिटिव में नहीं लगानी। यानी कि जो आपको पानी के नीचे करंट चाहिए वो हमेशा आपने नेगेटिव यूज़ करना है, ये इसमें लग जाएगा। और जो इसका दूसरा एंड है ये वाला, ये जाएगा जी, इसको बोलते हैं नाइफ स्विच। जो नाइफ स्विच है ये आपके करंट ऑन ऑफ का काम करता है, ये प्योर कॉपर का बना होता है। स्टील वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बाद जंग लग जाता है, तो फिर आपको करंट की सप्लाई में इसमें मसला आता है। इसलिए आप इसको हमेशा कॉपर का यूज़ करें। और नीचे हमने इसके लकड़ी लगाई होती है ताकि ज़मीन के साथ ये अर्थ ना हो, ज़मीन के साथ ये कनेक्शन ना पकड़े, जिसकी वजह से ये आपकी मशीन जो है बैक ब्रस्ट मार सकती है। इसलिए ये कनेक्टिंग केबल इसमें लगेगी। फिर पानी के अंदर जाती है कटिंग केबल, ये कटिंग केबल पड़ी है। इसमें भी दो चीज़ें सवाल होती हैं, एक ये केबल है जिससे करंट पास होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, क्योंकि इसका एक दफ़ा का खर्चा है, बाद में ये तकरीबन लाइफ टाइम ही चलती है, 20 साल 30 साल या पर डिपेंड करता है अगर आप अच्छी केबल इस्तेमाल करेंगे तो। ये इसका दूसरा सिरा नाइफ स्विच में लग जाएगा, इस तरह करके आप या इसको टाइट कर देना है। और इसका जो इसमें एक होता है केबल लगती है जिससे आप करंट पास करना है, और फिर होता है इसमें पाइप लगा होता है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आप ये प्रेशर के लिए यूज़ होता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक इसमें आपको सिलेंडर का प्रेशर बताएगा, और दूसरा इसमें जो आपने पानी के नीचे प्रेशर लेके जाना है जिससे आपने कटिंग करनी है वो बताएगा। इस प्रेशर गेज को आपने ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगा देना है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है, और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो आपने पाइप, जो आपका कटिंग सेट है पानी के नीचे जाएगा, आपने ये उसमें लगा देना है। और जब ये लग जाएगा उसके बाद आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलना है। ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलने के बाद जो आपने अंडर वाटर कटिंग करनी है उसके लिए आपको पानी के नीचे 100 to 120 psi आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने वो जगह रस्टी हो या थिकनेस बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे, वरना 100 to 110 ये आइडियल प्रेशर है अंडर वाटर कटिंग के लिए। तो जब अंडर वाटर कटिंग के लिए लग जाएगा, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिया। और तीसरी चीज़ इसमें जो आ जाएगी वो आ जाएगी अर्थ। फिर आपने इसको अर्थ जो है, अर्थ हमेशा आपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा जब आप खुश्की पे यानी कि लैंड पे वेल्डिंग करते हैं तो आपने अर्थ को नेगेटिव लगाना है और करंट को पॉजिटिव लगाना है। लेकिन जब पानी के नीचे जाना है तो आपने करंट को नेगेटिव लगाना है और अर्थ को पॉजिटिव। जब ये अर्थ इधर आपने लगा देना है इसके पॉजिटिव में, तो इसका जो दूसरा सिरा है वो हमने कुछ अपनी मर्ज़ी का बनाया हुआ है, क्योंकि बाज़ अवकात प्लेट नीचे जाते तो थिकनेस उससे ज़्यादा होती है तो जगह नहीं होती अर्थ लगाने के लिए, इसलिए हमने इसको ये बड़ा करके बनाया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए। ये यू क्लंप है जिसका हमने अर्थ बनाया हुआ है, और ये भी प्योर स्टील का है ताकि इसको रस्ट न लगे। ये आपने जहाँ पर लगाना है वहाँ पर पहले आपने अच्छी तरह चिप करके जो चिपिंग करनी है, और ताकि उसका पेंट रस्ट जो भी है ख़त्म हो जाए, और फिर आपने अर्थ को लगाना है ताकि आपके करंट में, करंट की सप्लाई में कोई मसला ना हो। जब ये लग जाएगा नीचे तो उसके बाद
ये आ जाता है जी कटिंग ब्रोको। कटिंग ब्रोको इसको, ये अंडर वाटर कटिंग ब्रोको है, और ये जो अंडर वाटर जितना भी इक्विपमेंट है ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये प्लास्टिक होता है प्योर, जरा कैमरा मैन सीख कर मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं कटिंग ब्रोको। इसमें जो चीज़ें यूज होती हैं, एक इस्तेमाल होता है कॉलेट, इसको बोलते हैं कॉलेट। इसका काम होता है जो कटिंग ब्रोको है उसको अंदर होल्ड करना है। ये टाइम के साथ साथ जब इस्तेमाल होता है तो तकरीबन इसकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जितनी आप कटिंग करेंगे उतना इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखें जैसे आपको इसमें कट नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, ये जो कट नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको कट नज़र आ रहे हैं, ये जब आप इसको लूज़ करते हैं तो ये खुलते हैं, जब इसको आप टाइट करते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। तो इस तरह टाइम के साथ साथ ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये कॉपर का होता है। ये देखिए, ये इसमें लगा के इसके अंदर एक और एक वाशिंग यहाँ पे लगती है, इसको अंदर भी एक, ज़रा कैमरा में दिखा सकते, तो इसके अंदर भी छोटा सा एक ओरिंग लगा हुआ है, उसके अंदर फ्लैश। अभी मैं इसको पूरा खोल नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जब इसको खोलते हैं इसको पूरा खोल सकते हैं। इसके अंदर फ्लैश अरेस्टर लगा होता है। फ्लैश अरेस्टर का काम ये होता है कि जो कचरा वगैरह है वो आपके फिल्टर को क्रॉस करके इसके अंदर ना आए। तो ये इसमें वही जो आपने कटिंग केबल लगाई थी और गैस का पैप लगाया था ऑक्सीजन का, ये इसमें दो कनेक्शन लगे होते हैं ऑलरेडी, ये वेल्डिंग केबल या कटिंग केबल जो करंट के लिए, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। और ये होता है जी अंडर वाटर कटिंग ब्रोको। ये आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। ये आपको लोकल भी मिल जाएंगे, ये बड़ी कंपनीज के मिलते हैं, लेकिन अमेरिकन अंडर वाटर कटिंग ब्रोको, इसको अल्ट्रा थर्मिक कटिंग ब्रोको भी कहते हैं। इसमें भी कुछ राड लगे होते हैं, ज़रा कैमरा में नज़दीक आए अगर ये नज़र आ रहे हो आपको, इसमें राड लगे हुए हैं। एक इसमें रेड कलर का राड होता है जो कि जब इसमें करंट की सप्लाई आती है तो ये फायर पकड़ता है, आग पकड़ता है, तो ये इसमें लग जाता है, फिर इसको इसमें टाइट कर दिया जाता है। तो जब ये आग ऊपर से सप्लाई लेंगे तो इसको नाइफ से इसको आपने नीचे कर देना है, इसमें करंट आ गया। जब इसमें करंट आ गया तो ये जो आपको एक हैंडल नज़र आ रहा है, ये हैंडल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज़ होता है, कि आपको ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ से मिलेगा। जब ऑक्सीजन और करंट दोनों मिलते हैं तो आपने इसको आयरन की प्लेट पे, जहाँ भी आपने शिप काटना है उस पे रख के जब आप इसको प्रेशर देते हैं तो ऑक्सीजन और करंट ये दोनों मिलके फायर पकड़ते हैं। और इसका काम सिगरेट की तरह होता है। सिगरेट से मुराद ये कि जब आप सिगरेट का मुंह में लेके उसको जलाते हैं तो आप उसको जलाते हैं और फिर जो लाइटर है उसको बंद कर देते हैं या मैच बॉक्स है वो फेंक देते हैं और सिगरेट जलता रहता है। जैसे जैसे आप कश लगाते जाते हैं तो वो जलती रहती है। उसी तरह इसका काम है कि जब ये एक दफ़ा आग पकड़ लेता है तो आपके पास सिगरेट रोप होती है एक, जो कि आपके पास होते हैं इसका एक एंड, दूसरा एंड जो ऊपर अटेंडेंट बैठा होता है नाइफ स्विच पे वो उसके पास होता है। तो जब ये आग पकड़ लेता है, आग एक दफ़ा जल जाती है तो ये बंद नहीं होता। अगर कटर अच्छा होगा तो उसको पता होता है ये बंद नहीं होता। फिर आप दो सिग्नल देंगे या एक सिग्नल देंगे, जो भी आपने सिग्नल रखा होगा, तो वो ऊपर से जो पावर सप्लाई है इसको कट ऑफ कर देगा, ताकि आपको करंट जो है कंटिन्यू ना लगता रहे। क्योंकि इसमें करंट कंटिन्यू रहेगा तो वो आपका बोन मैरो जो है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो है, वो इस करंट से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। ये जो कटर हजरात हैं अंडर वाटर कटिंग करते हैं, ये उनको पता होगा बड़ा थारोली बड़ा अच्छे तरीके से। तो एक बार जल जाता है, उसके बाद आज आपने सिलाई आप करती है तो ये पूरा राड जलता है। जो एक अच्छा कटर होता है, अगर प्लेट 8 mm की है, 8 mm की प्लेट अगर साफ है, उसके ऊपर रस्क नहीं है, उसके ऊपर कचरा नहीं है, तो जब आप काटेंगे तो ये जितनी राड की लेंथ है उतनी लेंथ में इसको काटना चाहिए। अगर वो काटते हैं तो इट्स मीन कि आप अच्छे कटर हैं, वरना आप ब्रोको बहुत ज़ाया करेंगे। और ब्रोको ये काफ़ी महंगा होता है, फिर आपको कटिंग जो है अंडर वाटर कटिंग वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। इसलिए एक ये ब्रोको आप बहुत अच्छा यूज़ करें, ब्रोको में आपने कोई नेग्लिजेंसी नहीं करनी। ये देखें, ये इसका बॉक्स मेरे पास पड़ा है, ये ब्रोको अंडर वाटर कटिंग, ये ऊपर लिखा भी हुआ है ब्रोको अंडर वाटर अल्ट्रा थर्मिक कटिंग रॉड्स। ये एक बॉक्स के अंदर तकरीबन 60 होते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली है। जब आप जो कटिंग करना चाहते हैं कटर हजरात, उनको पता होगा, ये जब खरीदेंगे कोई तो उनको पता चल जाएगा ये कितना कॉस्टली होता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कटिंग ब्रोको जो हमेशा अच्छी तरह यूज़ करें, ताकि कम खर्च बाला मशीन आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले और आप
काम अच्छा कर सके। इसके अलावा जब ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर ख़त्म हो जाती है तो सिग्नल रखे होते हैं हमने, यानी कि जिस तरह कंटिन्यू हम 5 से 6 सिग्नल देते हैं, इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर नीचे ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन कम आ रही है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज कर दें। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो अंडर वाटर कटिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।